नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मधुसूदन चौधरी आप सभी का एक बार फिर 10,000 क्वेश्चन सीरीज में स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल एएसपी राजस्थान की ओर से पूरे राजस्थान के बच्चों के लिए एक स्वागत समारोह या सम्मान समारोह कह लीजिए आयोजित किया गया था, उसकी जो झलकियाँ हैं वो आपको सर आज या कल में दिखाएंगे। और एक खुशखबरी और सभी के लिए, जिसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और एएसपी राजस्थान भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है इसलिए। और आप सब भी एक बार इस बात को सुनकर के बहुत खुश हो जाएंगे कि आज हमारी एएसपी आज हमारी जो एएसपी है वो 20,000 आज एएसपी 20,000 सब्सक्राइबर्स को लेकर के राजस्थान का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बन चुका है एग्रीकल्चर का। 20,000 आज हमारी एएसपी के 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो एक बंदा था, लोग मिलते गए और कारवा बन गया हमारा, और आज हमारी एएसपी है वो 20,000 का परिवार हो गई। और सभी को जय महाकाल, राधे राधे। तो इसी तरह हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम आप सभी का एक बार मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने एएसपी को इतना बड़ा बनाया, और ऐसे ही आपका जो प्यार है वो एएसपी के प्रति बना रहे। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पे। और आपका पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्में किस उप स्पीसीज में संबंधित है, किस उप स्पीसीज से संबंधित है? इंडिका से, जापानिका से, या जेवेनिका से, या एशियाटिका से? हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, आपकी जो बात है मैंने सुन ली, समझ भी ली, और उसका एक मैं बता दूं आपको, दो या तीन दिन बाद अभी जैसे हमारा टेक्निकल बंदा आ जाएगा, टाइपर हमारा टाइपराइटर कहीं गया हुआ है शादी में इसलिए 20 हो रहे हैं, जैसे ही टाइपराइटर आ जाता है हमारा, हम आपके लिए क्वेश्चन कितने लाएंगे, हम आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे 20,000 के साथ साथ जीके हिंदी एनिमल, और जो आपकी 1,000 प्रश्नोत्तर चल रही है वो तो मैं हुई, तो आपकी चार क्लासे एएसपी राजस्थान आपके लिए बहुत जल्द लाने वाला है। तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस लाइव को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इस प्रश्नोत्तरी का लाभ मिले। अब मैं सबके क्वेश्चन देख लेता हूं। जो शिल्पी जैन है इसका आंसर ए बता रही हैं, सुधीर सारन इसका आंसर भी ए बता रहे हैं, प्रियंका भी ए बता रही, निशा चौधरी भी सही बता रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है और आपको एक ये बात का तो पता, आज आपका एक जो एंटोमोलॉजी के क्वेश्चंस थे उनसे पीछा भी छुड़ा दिया मैंने, तो इसका आंसर है इंडिका। इसका आंसर क्या है? इंडिका। जो जापानी का धान है वो जापान में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? जापान में। और जो जेवेनिका है वो इंडोनेशिया में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धान का बोटनिकल नेम सबको पता ही होगा, ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबेरिमा। ओराइजा ग्लेबेरिमा ये भारत के साथ सभी देशों में, सिर्फ ये अफ्रीका महाद्वीप में उगाई जाती है। ये कहां उगाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में ओराइजा ग्लेबेरिमा उगाई जाती है। उसके अलावा सभी देशों में ओराइजा सेटाइवा उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे।
प्रदीप्ति कालिता के आधार पर धान का प्रकार है। प्रदीप्ति कालिता के आधार पर धान एक पौधा है। दीर्घ प्रदीप्ति काली, अल्प प्रदीप्ति काली, उदासीन या इंटरमीडिएट, बताइए सभी। सुनील देवना, हाय। प्रदीप गोस्वामी टू बी, पुष्पेंद्र कुमार बी, मैं, हाँ राम राम जी, राम राम। सर एफओ के लिए कोई बेच, हाँ बिल्कुल, एफओ के लिए क्लासेज देने के लिए एसपी राजस्थान रिकॉर्डिंग करवा रहा है सभी, तो आपको जो एफओ के बेच के लिए जो गाइडलाइन है वो कुछ दिन में बता दी जाएगी आपके लिए। वीडियोस तैयार हो रहे हैं किसके, एफओ के, और जल्दी आपको एफओ का कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा। हाँ तो इसका जो आंसर है वो है अल्प प्रदीप्ति काली। लॉन्ग, ये है लॉन्ग डे प्लांट जिसको एलडीपी, ये एचडीपी, ये डेनेट्रल, ठीक, और ये आपका डे इंटरमीडिएट। तो ये तो सिर्फ गन्ना है, गन्ना ही क्या है, डे इंटरमीडिएट, उसके अलावा डे न्यूट्रल में है आपके कपास, सूरजमुखी, टमाटर और मटर। उसके अलावा जब सभी खरीफ की फसलें कैसी है, शॉर्ट डे, और सभी रबी की फसलें कैसी है, लॉन्ग डे। इन चारों पांचों को छोड़कर सभी फसलें जो खरीफ और रबी की है वो लॉन्ग डे और शॉर्ट डे में विभाजित की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस की बुआई कब की जाती है, ओस धान जो है, ओस धान की बुआई कब की जाती है। हाँ गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। एएफओ की वैकेंसी, आपको अभी तक यही नहीं पता, एएफओ ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, आईबीपीएस अपना कैलेंडर जारी कर चुका है। तो एएफओ का जो एग्जाम है इस बार दिसंबर में 14 तारीख और 26 तारीख को है, दिसंबर में उसके प्री है, और मेंस जो है वो आपका जनवरी के लास्ट वीक में है। एएफओ अपना जो आईबीपीएस है वो कैलेंडर कब का जारी कर चुका है, ठीक है। तो ओस धान की बुआई कब की जाती है, बताइए सभी। ओस धान की बुआई की जाती है आपके मई जून, मैंने कितनी बार बता दिया आपको, मजनू और सनम, तो पिछली बार जो वीडियो थे उनमें बता चुका मैं ये सब। तो इसका क्या है, मई जून, ओस की जाती है मई जून में, अमन की जाती है जून जुलाई में, और जो आपका बोरो है, बोरो की जाती है आपके नवंबर दिसंबर में, ठीक है। और इसकी ओस की कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर में, अमन की जाती है नवंबर दिसंबर में, और इसकी की जाती है मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो जिनको भी, तो ओस, अमन, बोरो याद कर लो, मजनू और सनम याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका, मई जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, IR8 धान की किस्म भारत में कहां से लाई गई, जो IR8 है वो भारत में कहां से लाई गई। हाँ बिल्कुल, जड़ से शिखर तक आपको दिया जाएगा। अब जेट की क्लास जो एग्रीकल्चर की है वो तो ये ही है, जेट के लिए तो एग्रीकल्चर की है ही सही। भागचंद मीणा, आपका कमेंट हो गया भाई। माया कटारिया, माया कटारा जो है बी बता रहे हैं। हर्षिता सी, संतोष नोकफाल बी। हाँ एक बात, जो संतोष जी है वो सबसे पहले क्लास में आती है, मैंने ये 3-4 बार नोटिस कर लिया है। सुनील ए, हाँ तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, भारत में जो IR8 है वो लाई गई आपके फिलीपींस से। कहाँ से लाई गई, फिलीपींस से। कहाँ से लाई गई थी, फिलीपींस से, जहाँ से, फिलीपींस से लाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धान की बुआई की ब्रॉडकास्टिंग और ड्रिलिंग मेथड, ब्रॉडकास्टिंग और ड्रिलिंग मेथड है उनसे धान की बीज दर कितनी होती है। धान की बीज दर पहला ऑप्शन है आपका 100 से 60 केजी, दूसरा 60 से 100 केजी, तीसरा 45 और 100 केजी, या चौथा है डी 100 से 45 केजी। बताइए सभी आंसर। हाँ बता तो दिया योगेंद्र कुमार जी, जेट की क्लासे रिकॉर्डेड में ले लीजिए आप। दिनेश भाटी ए, सोनू कुमारी ए, राकेश मीणा ए, राठौड़ सवाई माधो, हाँ बिल्कुल देवराज जी सवाई माधोपुर से हो आप, अच्छी बात। प्रियंका चौधरी ए, राजकुमार ए। हाँ तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भाई ब्रॉडकास्टिंग मेथड और ड्रिलिंग मेथड, दोनों में ब्रॉडकास्टिंग से होती है 100 और ड्रिलिंग से होती है 60। ठीक है, जो सुपर राइस होता है, सुपर राइस की होती है 65 केजी, सुपर राइस की भी कितनी होती है 65 केजी। डेपोक जो मेथड है, डेपोक मेथड से होती है 70 से 80 केजी। और जो आपका एक SRI मेथड है, SRI मेथड से होती है धान की 5 से 6 केजी। ठीक है, कितनी होती है 5 से 6 केजी, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लें। और अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है या नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो सभी इस वीडियो को लाइक करें, क्या करें लाइक करें। कोशलेंद्र यादव इसका बी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है ए है, ब्रॉडकास्टिंग। और ठीक है, और एक बात हो, अगर आपको कोई भी चीज या कुछ भी आपका कंफ्यूजन हो तो आप सभी क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कंफ्यूजन लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए बेट मेथड में रोपाई के लिए पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है। ठीक है दिनेश सैनी जी, 11 से 14 दिन, 14 से 17 दिन, 17 से 20 दिन और या 20 से 23 दिन। भागचंद मीणा सी, राजकुमार बी, भागचंद मीणा सी, दिनेश भट्टी ए, मणिपाल टांक ए। हाँ तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके 20 से 23 दिनों में, बेट मेथड से। आप जितने भी बता रहे थे वो सब डेपोक मेथड से बता रहे थे, किससे बता रहे थे, डेपोक मेथड से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है 20 से 23 दिन, कितना है 20 से 23 दिन। आलू में 100 से 150 ग्राम बीज डाले जाते हैं भाई, कितने 100 से 150 ग्राम। सर जेट ICR और सुपरवाइजर के एग्जाम कब होंगे, डेट बता दो। बिल्कुल, आपको एक चीज और बता दूं मैं, डेट अच्छा ICR जब जब आपका जेट का हो और चाहे आपकी सुपरवाइजर की हो, ASP राजस्थान आपको कंफर्म बताएगा कि डेट कब आएगी। ठीक है, बिल्कुल हाँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस कीट के द्वारा धान का टुंग्रो वायरस रोग फैलता है, किस कीट के द्वारा। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सर कल क्लास नहीं ली, बिल्कुल कल क्लास इसलिए नहीं ली क्योंकि कल ASP राजस्थान का प्रतिभा सम्मान समारोह था और उस प्रतिभा सम्मान समारोह में, ठीक है, इसका आंसर है ग्रीन लीफ ऊपर। इसको आप याद कैसे करें, ग्रो और ग्री। ठीक है, कैसे याद करोगे, ग्रो और ग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के पौधे के कल्लों में रुपहला तना या प्याजी पत्ती लक्षण किस कीट के कारण होते हैं। गोल, पहला धान का इस्पा, दूसरा गोल मिर्च, तीसरा सफेद मक्खी। फीस कितनी ऑनलाइन की बता दो रखिए आपको, 999 बस, मात्र 999।
मात्र 999 रुपए फीस आपकी ऑनलाइन की बस। और एक बात और आप मेरा ये और बात सुनो सभी, सबके जो नाम है सबके नामों के आगे सभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लिख लें आप, ठीक है, जो तुमको भी याद दिलाता रहेगा कि हमको क्या बनना है, सुपरवाइजर बनना है, ठीक है। तो सभी अपने नामों के आगे सुपरवाइजर लिख ले, क्योंकि जिससे पता तो चले कि हम क्या है, सुपरवाइजर है सभी, भाभी सुपरवाइजर, ऐसे ही थोड़ी कहता हूं मैं आप सभी को। तो इसका आंसर है गोलमिज, जो गोलमिज कीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धान मतकुण जो गंदी बगे धान का, वो किस अवस्था पर, जो गंदी बगे पौधे की किस अवस्था पर आक्रमण करता है, अंकुरण के समय, फूल आते समय, दूधी अवस्था पर, या कटाई के समय। ठीक है सर, क्लास के क्लास ऑनलाइन क्लासेज बता तो दिया ना मैंने आपको, तो इसका आंसर है आपका मिल्किंग स्टेज पर। कब? मिल्किंग स्टेज पर। कब है? मिल्किंग स्टेज पर, जो आपका गंदी बग है, गंदी बग कब आक्रमण करता है, मिल्किंग स्टेज पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में बोनेपन, जो धान में जो बोनेपन का जीन है वो कौन सा है इनमें से, धान का बोनेपन का जीन बताइए सभी, टिप्ट 23A, डीजी वू जीन, नोरिन 10 और ओपेक 2, बताइए सभी यू। ठीक है, ठोकोलाई, बिल्कुल लखविंदर जी, जैसे ही आते हैं तो मैंने कह दिया आपको, मेरी एनर्जी आ जाती है लखविंदर जी को देखते ही, या लखविंदर जी की कमेंट देख करके। ठीक है, तो हाँ भाई बताइए सभी इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी जी वुजीन। ठीक है, टिप 23A और ओपेक 2 दोनों किससे हैं, मेज से, किससे हैं, मेज, ये किससे संबंधित है, मेज से। और जो आपका नोरिन 10 है ये आपका है वीट से, किससे है, वीट से। ठीक है, वीट से। एक बात और बताइए, जो मैंने आपको लास्ट क्लास थी उसमें खाद्यान्न का प्रोडक्शन बताया था, जो खाद्यान्न का प्रोडक्शन पिछले साल कितना हुआ है बताइए सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल टिंकू चौधरी, हाँ भाई धान, जो मैंने आपको खाद्यान्न का प्रोडक्शन था लास्ट क्लास में बताया था, तो बताइए वो कितना बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में धान का। खाद्यान्न प्रोडक्शन पिछले साल का बताइए सभी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जयेंद्र यादव, बिल्कुल जैनेन्द्र जी आपका धन्यवाद है आपका, वही हो ना आप, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वही हो ना, वही बरेली है ना, ठीक है। तो इसका आंसर है 295 मिलियन टन, कितना है 295 मिलियन टन, कितना है 295 मिलियन टन। और आज का जो आपका डाटा है वो है भारत का 2020 में फल उत्पादन, भारत का 2020 में फल उत्पादन कितना है, वो इसका आंसर है आपका 100 मिलियन टन, कितना है 100 मिलियन टन, कितना 100 मिलियन टन। और उन 100 मिलियन में से जो केला है, केले का 31 मिलियन टन, केले अकेले केले का उत्पादन कितना है 31 मिलियन टन। तो आपसे पूछा जाए
कि भारत में सबसे ज्यादा किस फल का उत्पादन होता है, तो उसका आंसर है केला। और केला में भी कितना, 31 मिलियन टन, 31 मिलियन टन किसका उत्पादन होता है, केले का उत्पादन होता है। ठीक है, कितना होता है 31। उसके बाद में 20 मिलियन टन, बाद में 20 मिलियन टन उत्पादन किसका होता है, 20 मिलियन टन होता है आपका आम। आम का कितना होता है 20 मिलियन टन, और 14 मिलियन टन उत्पादन होता है आपका नींबू वर्गीय फलों का, किसका, नींबू वर्गीय फलों का। और एक सीधा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मेरी बारी, कि नींबू वर्गीय जो फल है उनके फल का प्रकार क्या है, जो नींबू वर्गीय जो फल है उनके फलों का प्रकार क्या है, बताइए सभी, आप उसमें लिखिए चैट बॉक्स में। चंदन जी आप लेट हो गए, बिल्कुल अब लेट हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे से लेट मत होना, बताइए सब। गुड इवनिंग चंदन जी, अच्छी है कि ऋषभ गर्व आवाज, हाँ नीलम गोवा, कौशलेंद्र यादव जी बता रहे हैं केरियोप्सिस शाबाश, यूपी से बता रहे हैं यूपी 78 सरस पानी, राजेश पानी बुला रहे हैं। तो इसका आंसर है हेस्पेरिडियम, इसका आंसर क्या है, हेस्पेरिडियम। नींबू वर्गीय फलों का फल का प्रकार क्या है, हेस्पेरिडियम। ठीक है, नेक्स्ट, आम का क्या था, आम का ड्रुप, और जो आपका केला है उसका है बेरी, केला का क्या है, बेरी या सरस। ठीक है, नेक्स्ट, सुपर राइस की कल्पना किसने दी, जो सुपर राइस है उसकी जीएच सल ने दी, या जीएच खुश ने दी, या बीएल चोपड़ा ने दी, या योशीदा ने दी, बताइए इसका आंसर। आम का पुष्पक्रम क्या है, आम का पुष्पक्रम पेनिकल है साहब, जीएस खुश, जीएस खुश, जीएस खुश का नाम सुनते आप खुश हो जाइए बिल्कुल। संतोष नोखवाल जी का कमांड हिट हो गया भैया, अनुज ए बी, नीलम कुमावत बी, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, इसका सही आंसर क्या है, बी। एक और आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, डीएपी में पोटास कितना होता है, दोबारा सुन लीजिए एक बार, डीएपी में पोटास की मात्रा, डीएपी में पोटास की मात्रा बताइए सभी, डीएपी में पोटास की मात्रा, राकेश मीणा जी 18 बता रहे हैं, सर आप तो बहुत अच्छे हो, बिल्कुल अच्छा अच्छे हो, मैं सवाई माधोपुर से हूं साहब, आप जहां से हो वहां से मैं हूं। प्रमिला 46, मणिपाल 18, संतोष प्रजापत 46, लखविंदर जी 17 बता रहे हैं इसका आंसर, क्रांति गुरमी 18। एक मिनट, वो धनंजय सिंह की कमेंट आ रहे हैं, धनंजय सिंह की कमेंट नीचे थोड़ा थोड़ा नीचे, हाँ नहीं नहीं धनंजय और नीचे, हाँ सर सिर्फ यूपी है, हाँ बिल्कुल यूपी से डाल सकते हैं, चलो छोड़ो। हाँ भाई, और जिन भी बच्चों ने ये आंसर बताया ना 18 और 46, वो बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, जिन्होंने भी 18 से 46 बताए हैं वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, उनसे अच्छे स्टूडेंट शायद ही मैंने कभी देखे होंगे। ठीक है, जिन्होंने एक बार ये और बता दीजिए 18 से 46 किस किसने बताया है, यस या नो,
वो बिल्कुल तेजा नाम जी सही कर रहे हैं, जो तालियां बजा रहे हैं उनके लिए, जिस जिसने भी लिखा है वो बिल्कुल जरूर अपना अपना नाम खुद से बताएं। हाँ बिल्कुल धनेंद्र सिंह जी आपका देख लिया मैंने, भर सकते हैं यूपी वाले फार्म। बताइए बताइए जल्दी बताइए सभी बताइए। नो बिल्कुल बिल्कुल अब तो कोई लिखे सर सर हाँ जिस चलो अब कोई नहीं बोलेगा, पर जिसने भी ये लिखे हैं ना वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, क्यों उनका वो गलत है। अब जिनका अब गलत हो गया ना वो आगे गलत नहीं करेगा, जिनका हो गया वो तो हो ही गया, पर जिनका हो गया वो अब आगे गलत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डीएपी में भाइयों पोटास कब से पाने लग गया, डीएपी में क्या होता है पोटास जीरो होता है, डीएपी में पोटास कितना होता है जीरो होता है, डीएपी में कितना पोटास होता है 0% पोटास होता है, और 18% क्या होता है नाइट्रोजन, और 46% क्या होता है फॉस्फोरस होता है, क्या होता है फॉस्फोरस, और जो पोटास होता है वो तो बिल्कुल 0% होता है, कितना होता है बिल्कुल 0% होता है। मजा आ गया सबको। नेक्स्ट, और अगर आपके आप सामने पहला कुछ पहला ऑप्शन 48 होता ना तो आप जरूर 48 करते। हाँ भारतीय बोना गेहूं जो इंडियन द्वार बीट है, हाँ बिल्कुल राकेश जी मैं तो खुद ही कह रहा हूं आगे गलत नहीं होगा आपका, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम या ट्रिटिकम स्पेल्टा, ट्रिटिकम स्पेल्टा। सतवीर गुजर सी, दिनेश भाटी बी, आईसीआर कोर्स का प्राइस क्या है जी, आईसीआर जेट बीएचयू का हम बता देंगे आपको बी, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। और जो लेट जो बाद में जुड़े उनको एक खुशखबरी दे देता हूं मैं, आज आपका मेरा नहीं हमारा आपका जो आपका एएसपी है वो 20,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर के साथ 20,000 प्लस 20,000 तो हो चुके, अब आप जितने आगे जाओगे वो सब जुड़ते जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ आगे भी एएसपी के साथ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और इसको भारत का पहला एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल बनाइए। आपको हर वैकेंसी की जानकारी, ये इंडिया अगर भारत में हिंदी भाषी राज्यों में कहीं भी कोई एग्रीकल्चर से कोई वैकेंसी आती है तो उसकी जानकारी मैं आपको हर बार दूंगा आपको हर बार, ठीक है। अगर भारत में कोई वैकेंसी आती चाहे वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन की हो, चाहे कॉटन कॉरपोरेशन की हो, चाहे आईसीएआर के कोई उसमें हो, जितने भी वैकेंसी एग्रीकल्चर चाहे एएफओ की हो, चाहे यूपी में हो, चाहे एमपी में, और राजस्थान की तो सबको पता वैसे भी चल जाता है, इनमें भी अगर कहीं कोई एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा किसके माध्यम से, ओनली ऑन किसके माध्यम से, एएसपी के साथ। तो इसीलिए एएसपी के साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। अच्छी प्रकार से गेहूं का दाना भरने के लिए कितना तापक्रम चाहिए, ठीक है, बिल्कुल पटेल जी सही, पटेल अमित सही बोल रहे हैं, एएसपी है तो पहुंच जाएगी साहब, आप दूर बहुत हो ना इसलिए कुरियर से टाइम लगता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 23 से 25, दाना भरने के लिए कितना 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, सही सर। उसका आंसर क्या है, किसका आंसर बताइए, उसका ट्रिटिकम स्फेरोकोकम है, स्फेरोकोकम है, ठीक है। धान में नत्रजन उर्वरक उपयोग क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, सल्फर कोटेड यूरिया और यूरिया सुपर ग्रेनुल्स या नील हरित सेबाल या तीनों, बताइए इसका आंसर।
अनिल अजय प्रजापति जी ए बता रहे हैं, भीमराज डी, स्वतबीर गुजर सी, देसी बॉय सी, हर्षिता ओके, सोनू कुमारी एग्रीकल्चर, स्टार अनु सी, योगेंद्र सी, माया कटारा सी, पुष्पेंद्र कुमार, हाँ भाई इसका जो सही आंसर है वो आपका जो यूरिया है उसमें नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता सल्फर कोटेड यूरिया के द्वारा भी बढ़ाई जा सकती है, यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स के द्वारा भी बढ़ाई जा सकती है, और जो इन दोनों के साथ। अब ये आंसर ही आपका उर्वरक था, इसमें था ही क्या उर्वरक, तो आपने नील हरी सेवाल, ये तो बायो फर्टिलाइजर है, वो ये कैसा है, ये बायो फर्टिलाइजर, तो ये तो इसमें आंसर हो ही नहीं सकता था, तो आपने तो वैसे ही किसी ने तुक्का लगाया तो वो गलत लगाया इसी पे, किसी ने अब किसी ने लगा दिया वो सही है पर गलत आगे मत लगाना, क्यों, नील हरित सेवाल क्या है, जैव उर्वरक है, और ये नत्रजन युक्त उर्वरक पूछ रहा था आपसे, तो सल्फर कोटेड यूरिया और यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स के द्वारा ही नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। फेलरिस माइनस किस कुल से संबंधित है, फेलरिस सर स्टूडेंट हाँ भाई बताइए, एक बात और आपको जानकर दे दूं, जो नीम कोटेड यूरिया है वो नीम, उस पर नीम का कोटेड क्यों किया गया, जो नीम कोटेड यूरिया है उस नीम कोटेड से क्या पहले क्या होता था, यूरिया जितना भी होता ज्यादातर यूरिया फैक्ट्रियों को दे दिया जाता था, पर जब से नीम कोटेड, जब से यूरिया पर नीम की कोटिंग हुई है तब से यूरिया क्या हुआ, यूरिया सिर्फ किसानों के काम में आने लग गया, ठीक, इसलिए ये काम किया गया था। तो इसका आंसर जो है फेलरिस माइनस जो क्या है, गेहूं सा या गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा, और या इसके अलावा एक नाम और कहते हैं इसको केंद्रीय घास, ये जो गेहूं सा है इसका कुल है ग्रेमिनी, इसका कुल क्या है ग्रेमिनी, एक बार इसको क्या कहते हैं, गेहूं सा, गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, केंद्रीय घास, और ये क्या है, गेहूं का सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार है, किस कैसे सक्रिय पत्ती वाला, और इसको नष्ट करने के लिए क्या काम में लेते हैं, इसको नष्ट करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, आइसोप्रोट्यूरान, ठीक है, और आजकल इसके लिए क्या कहते हैं, सल्फ्यूरान, आजकल किसका यूज किया जाता है, सल्फ्यूरान, ठीक, संकरी एक बार दोबारा सुन लीजिए, गेहूं सा, गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा और केंद्रीय घास किसको कहते हैं, फेलरिस माइनर को कहते हैं, ये किसका है, ये गेहूं का संकरी पत्ती वाला खरपतवार है, ठीक है, खकरी पत्ती वाला खरपतवार भी, और इसको नष्ट करने के लिए पहले किसका, आइसोप्रोट्यूरान का यूज किया जाता है था, पर आजकल आइसोप्रोट्यूरान का यूज ना कर करके किसका यूज किया जाता है, सल्फो सल्फ्यूरान का, किसका, सल्फो, हाँ फैशन ट्यूब बताइए क्या आपकी क्या समस्या है, सल्फो सल्फ क्यों, और सैसे सक्री और सैसे सल्फ्यूरान, ठीक है, इसको भी आप सीधा याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की फसल में एकोचि रोग किसकी विषालुता के कारण होता है, जिंक की विषालुता, लोहे की, फास्फोरस की, हाइड्रोजन सल्फाइड की, एक बार फिर मैं बता दूं आपको कि अगर आप कोई क्वेश्चन आपका नहीं होता है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है आपका तो, ठीक है, तो धान में एक्योची रोग जो होता है वो किसके कमी से होता है, अर्चित बघेल ए, बघेल साहब आप तो शायद भरतपुर से हो मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूं, अर्चिता बिल्कुल डी, बलुई के बाद ए डी, शिल्पी जैन ए, सुफल डी, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है H2S, जो एक्योची रोग होता है धान में वो H2S की वो विषालुता के कारण होता है, किसकी विषालुता कारण, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, किसकी विषालुता के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड की विषालुता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है? गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है? गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है? कौशलेंद्र जी बी बता रहे हैं इसका आंसर। संकल्प संदीप सी, रविंद्र सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके करनाल। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? करनाल में है। और इसके साथ साथ जो अनुसंधान निदेशालय भी कहां पर है, ये भी करनाल में ही है। गेहूं और जो दोनों का कहां पर है? करनाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नोवल केन का वैज्ञानिक नाम है, नोवल केन का वैज्ञानिक नाम है, नोवल केन का वैज्ञानिक नाम है, नोवल केन का वैज्ञानिक नाम बताइए सभी। बिल्कुल सही है तो खुश हो जाइए आप। गोविंद सैनी सी, रूबी राय सी, राजेश कुमार सी, क्रांत सी, पिभराज ए, सुनील ए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सेकेरम ऑफिसिनेरम। नोवेल केन का क्या नाम है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम स्पॉन्टेनियम जंगली गन्ना का नाम है। ठीक है, किसका है? या पूर्व गन्ना का नाम है, जंगली गन्ना या पूर्व गन्ना का नाम है। उसके अलावा सेकेरम बारबेरी भारतीय गन्ने का नाम है। भारतीय गन्ना क्या है? सेकेरम बारबेरी। और सेकेरम साइनेंस ये चाइनीज गन्ना है। ये कौन सा गन्ना है? चाइनीज गन्ना। एक बार दोबारा सुन लीजिए, सेकेरम ऑफिसिनेरम तो क्या है? नोवल केन। सेकेरम स्पॉन्टेनियम है जंगली गन्ना या पूर्व गन्ना, जिसको कांस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस। सेकेरम बारबेरी भारतीय गन्ना है आपका। सेकेरम साइनेंसिस क्या है आपका? चाइनीज गन्ना है। ठीक है, चाइनीज गन्ना। सर ठीक है, नेक्स्ट। गन्ने की उत्पादकता किस राज्य में सर्वाधिक है? गन्ने की उत्पादकता किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका और इससे हाँ बिल्कुल 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 बोलते हैं साहब। तो पुष्पेंद्र जी इसका ए बता रहे हैं, अर्जुन जी ए, प्रियंका डी, पूजा गुजर ए, सी और उसके अलावा। तो इसका जो सही आंसर वो आपका है तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या है? तमिलनाडु। और गन्ना सबसे ज्यादा पैदा किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा पैदावार, पैदावार या उपज, या उपज। और ये क्या है? उत्पादकता। ये क्या है? उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब है कि अगर आपने एक हेक्टेयर में गन्ना बो रहे हो, किसमें? एक हेक्टेयर में अगर आप गन्ना बो रहे हो, ठीक है, अगर आप एक हेक्टेयर में गन्ना बो रहे हैं, ठीक है, तो एक हेक्टेयर में जब गन्ना बो रहे हैं तो एक हेक्टेयर में अगर आपके तमिलनाडु में मान लीजिए एक हेक्टेयर में 100 टन गन्ना हो रहा है, कितना? 100 क्विंटल गन्ना हो रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 40 हो रहा है। तो ज्यादा उत्पादकता किसकी हुई? ज्यादा उत्पादकता हुई आपकी तमिलनाडु की। और यूपी में क्षेत्रफल पर अधिक पर बोया जाता है, इसलिए इसीलिए क्या है? पैदावार। इसलिए वहां पर क्या ज्यादा है? पैदावार ज्यादा है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी तो किसकी ज्यादा है? तमिलनाडु की है। और प्रोडक्शन किसका ज्यादा है? उत्तर प्रदेश का है। प्रोडक्शन किसका है? यूपी का। और प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु की ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। और जैसे कि मैंने कहा है आपसे, अब जब हमारा टेक्निकल असिस्टेंट आ जाएगा तब हम आपके लिए और भी शानदार शानदार, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बना लिए गए थे, क्योंकि वो 4-5 दिन की छुट्टी पे है, तो इसलिए जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आपको और भी अच्छे अच्छे शानदार शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ASP राजस्थान को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से कह रहा हूँ, आपने जो ASP राजस्थान के लिए अपना प्यार बनाए रखा है, उसके लिए आपका मैं मधुसूदन चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही ASP को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और ASP को भारत का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बनाएं, जिससे देखो
एएसपी क्या, एएसपी की मैं बताता हूँ आपको। कल जो हमारा फंक्शन था उसमें 10 तो हमने प्रगतिशील किसान बनाए, जो राजस्थान में जगदीश जी पारिक जो है वो कृषि से पद्मश्री मिला हुआ है उनको, वो कृषि ऐसे कृषक है जिन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा दिया है तो उनको भी एएसपी में बुलाया गया था, और उसके अलावा जो बलजीत जी यादव है उनको भी बुलाया गया था। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप एएसपी के साथ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है, ठीक है। एएसपी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे और बहुत, मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, जब कल या आज और कल में हमारे जो डायरेक्टर सर है वो लाइव आएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। कल का प्रोग्राम के लाइव आने में थोड़ी सी समस्या हो गई थी हमारा, जो फिर वही टेक्निकल समस्या हो गई थी, नहीं तो आपको फिर वो पूरा प्रोग्राम लाइव, और लाइव नहीं हुआ तो कोई नहीं, उसकी वीडियोज आपको आज शाम को एडिट होकर के कल मिल जाएगी सब। कल जो भी प्रोग्राम जिन्होंने भी मिस किया है उनको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप, फिर से आपका धन्यवाद एएसपी के लिए, इतना प्यार बनाने के लिए। सबको गुड नाइट।